और आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज बाबा हम देखने वाले हैं इंडियन गर्ल्स स्कूटी क्रैश्ड। अच्छा भाई जी, वो स्कूटियां से गिरती हैं और उनके जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। अब लड़कियों का नाम है बीच में, तो यार आपको पता है लड़कियों के बारे में क्या चीज फेमस है? देखते हैं मजा, देख ही पता। बिल्कुल, तो काउंट डाउन करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1, स्टार्ट। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में जो स्कूटी के साथ तो नए नए एक्सपेरिमेंट करती ही रहती हैं, और कुछ ऐसे फनी तरीके से राइडिंग करती हैं कि जिनके बारे में देखने के बाद तो आप अपना सर पीट लेंगे। क्योंकि ये लड़कियां नहीं, ये पापा की परी। पापा ने इन परियों को स्कूटी दी है खरीद के चलाने के लिए, तो ये परियां उसे किस तरीके से चलाती हैं उसके बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो हमारे पास है कुछ ऐसी ही वीडियोज के कलेक्शन जिनमें इन पापा की परियों ने उस स्कूटी की तो माँ बहन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये लड़की अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही है, लेकिन अपनी स्कूटर को पार्क कहाँ कर रही है? जी, बीच रोड पर। फर्क नहीं पड़ता है इनकी स्कूटर कहाँ पर पार्क हो रही है, चाहे बीच रोड हो या फिर एयरपोर्ट का रनवे। अब चाहे बस आए या फिर ट्रक आए, फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये रोड तो इनके पापा की परी। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये लड़कियां इंडिकेटर किसी और साइड देती हैं, तो किसी और साइड बोलने के जरूर होता है इंडिकेटर अपुटा दे रही है। सर देखते ही रहते होंगे, ये तो ट्रैफिक रूल तोड़ के पुलिस वाले को कई किलोमीटर तक घसीट सकती है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, ये गलती भी नहीं मानेंगी, 4-5 शब्द खरी खोटी उनको सुना कर ही जाएंगी। ये बाबा की परी। अब इनको देखो, स्कूटी सीखने की इतनी चुलमची है कि किसी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन नहीं, इन्हें तो ऐसे ही सीखना है भाई। मोड़ पे रॉन्ग साइड मुड़ने का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन ना मुड़कर सीधे जाने का क्या लॉजिक है, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। वाह वाह, क्या बात है, मतलब सीधा अंदर। भाई गलत ड्राइविंग तो समझ में आता है, लेकिन इस तरीके की स्कूटी को उड़ाने का क्या मतलब? ये क्या कर रही है? एक ग्राउंड फटा फटे के ऊपर वो परी ही नहीं, पापा की जो पत्नियां हैं ना, वो भी अपनी स्कूटी को उड़ाने में कम नहीं है। अब इन्हें ही देख लीजिए, स्कूटी को पार्क कर रही हैं, लेकिन अचानक इनके मूड में आता है, नहीं हम पार्क नहीं करेंगे, हम तो सीधा उड़ा के दुकान के अंदर डाल देंगे। दुकान के अंदर ही लेंगे। इस तरीके की ड्राइविंग देख के तो मुझे सिर्फ एक ही सवाल आता है कि आखिर इन्हें स्कूटी दिलाता कौन है भाई, क्यों दिलाता है? पापा आंटी को देख लीजिए, स्कूटी सीखने की इतनी चुलमची है कि स्कूटी लेके सीधा खंभे से टकराई। भाई आप लोग भी इन आंटियों को देखते इन्हें हल्के में मत लीजिएगा, ना ना, इन्हें देखिए क्या डांस हो रहा है स्कूटी पे। लेकिन इनके डांस को देखने के बाद जो पापा की परियां कॉपी करती है ना, वो तो देखने लायक है। इन्हें देखिए, आंटी के डांस को कॉपी करती हुई ड्राइविंग करती हुई ये बालिकाएं, क्या डांस है भाई, तालियां तालियां। अब भाई हो सकता है कि आप लोग को लगे कि पापा की परियों को स्कूटी चलाने में कोई दिक्कत होती होगी, लेकिन नहीं, इन्हें तो पार करने में भी दिक्कत होती है। अब इन्हें ही देखिए, एक स्कूटी को पार करने में इतनी मशक्कत तो मैंने आज तक नहीं देखी। इन्हें अपनी स्कूटी को पार करने की हिम्मत नहीं होती कि सही पार्किंग में, लेकिन ये अपनी स्कूटी को पार्क नहीं कर पा रही है भाई, क्या बात है। इतने में तो ये ऐसा लगता है कि ये स्कूटी नहीं हवाई जहाज पार्क कर रही है। इतनी मशक्कत के बाद जब ये परियां अपनी स्कूटी लेके निकलती हैं ना, तो उनका यही हाल होता है जैसे इन मैडम का हुआ, सीधा नाले में। क्या बात, नाले में सीधा गिर। ऐसी ड्राइविंग तो चलानी नहीं आ रही, क्यों चलाते हो? जैसे ये महिला एक अंकल को बार बार ठोंकती है, एक बार ठोंकी फिर ठोंकी, लेकिन मन नहीं भरा तो बार बार ठोंकी। इन पापा के परियों को तो पापा की तोड़ने में मजा आता है, क्या बात है भाई। अब देखो यार, अगर तुम लोग को इन पापा की परियों की वीडियो देखने के बाद मजा आ रहा हो ना, तो इस वीडियो को लाइक मारो यार, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो।
और अब जाते जाते इस महान पापा की परी को भी देख लीजिए, जो दर्शन करने के लिए तैयार हो रही है और अभी स्कूटी लेकर सीधा मंदिर में जाएगी। नहीं पता आपको, देखिए कैसे जाती है, सीधा वहां से फ्लाई करेगी ना, सीधा भगवान के पास ही लैंड करेगी। और इनकी स्कूटी स्टार्ट होती है और ये पहुंचती है सीधा मंदिर में, माथा टेक सीधा मंदिर में। प्रसन्न होइए, देखो रास्ते को देख, तो भाई ये बहुत बनी परियों के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम सीधा भगवान के चरणों में। इस वीडियो का मकसद किसी भी लड़की की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, तो इन पापा की परियों को भूल जाओ और स्माइल करो, स्माइल करो। इधर ये वीडियो खत्म, बहुत कमाल का वीडियो था, आखिरी वाला तो बहुत मजे का था, मतलब उसने सीधा स्कूटी चलाई सीधा भगवान के चरणों में, बिल्कुल गिरी अंदर ही बिल्कुल। और वो काफी बनी था यार वाक्य में, आखिरी वाला क्लिप था लेकिन वो बहुत आठ, और पकाया में भी यार ये मतलब भाग्य में लड़कियों को चलाने नहीं आती कि क्या सीन है यार, अगर कोई लड़की देख रहे प्लीज बताओ आप लोग क्या मतलब चला सकते हो कि नहीं। असल में सूटियां ले लेती हैं, इनको चलाना नहीं आता, या ये नई नई ड्राइवर होती होगी ना, तब मतलब तब नई नई सीख रही होती है, इनको आता नहीं होता, तो फिर इस तरह की कैमरे ऊपर लगे होते तो ये क्लिप फिर बन जाते। देखिए वो साथ रोड पे जा रही है, वो सीधा वो जो ट्रैफिक आदमी था उसकी सीधा उसको टक्कर मारी, वो ट्रैफिक वाला नहीं तो वो आम बंदा था, लेकिन वो एक ट्रैफिक वाला जो था ना वो पीछे से उस लड़की को पकड़ा हुआ था स्कूटी को, एक और जो इस क्लिप में था, तो मतलब कि वो पीछे पीछे उसके भाग रहा था और वो उसने स्कूटी रोकी नहीं, जब रोकी तो तब अपनी गलती मनाजर है वजह, मतलब कुछ बयान नहीं कर सकता ना, इनकी ड्राइविंग कैसी है वही कैसी? तो इतनी फनी तरीके से, और वो आंटी जो डांस कर रही थी बाइक हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा था, देखा जिस तरह एक्सपीरियंस वाली होती है जो अच्छे से चला सकती हैं उस तरह करती हैं, लेकिन जब उनकी फिर कॉपी करने वो लड़कियां आई तो वो इतना गंदा गिरी है आगे जाके, मजा आ गया भाई उनको देख के, मजा बहुत गिरी, बहुत गंदा होंगी इसमें कोई शक नहीं, बहुत बुरी उनकी चोट आई होगी। वो एक देखा है वो सीधा शॉपिंग मॉल में अंदर चली गई, वो स्कूटी समेत वो एक वो था और बैग बीच में, वो रोड यूं मुड़ रहा था, रोड मुड़ने की जगह यूं सीधा गई और आगे जाके ठोकी उसने, और सीधा एक में तो नाले में गिर गई। अबे यार मतलब इतना कैसे कोई नहीं चलाना सीख सकता कि भाई सीधे नाले में सीखो ना, वही ना मतलब क्या देखो नाले के अंदर गिर गई, अब क्या हुआ होगा क्या नहीं है, तो एक ने तो ऐसा भी किया कि रोड के ऊपर ही खड़ी हो गई उधर से बस आ गई, वो दोस्त को मिलने चली गई है। ये नहीं कि साइड पे लगाओ और जाओ यार, वैसे मतलब इंडिया में वाक्य में मतलब इस तरह होता है, मतलब हमारे यहाँ तो इतनी कोई लड़की चलाती नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत ज्यादा लड़कियां स्कूटी चलाती, तो ऐसा होता है कि नहीं, प्लीज अगर आपके साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ हो ना तो लाजमी हमसे शेयर कीजिए। बाद ऐसा भी होता है पार्किंग में भी लगाती सीधा साइड में ऐसी खड़ी कर देती है, समझ में नहीं आता, वही तो इसमें कोई शक नहीं है, स्कूटियों को साइड में लगाना तो बड़ी आसान बात है ना, उसको तो पार्किंग में लगाना आसान काम है, कोई शक नहीं। तो यार आप लोग बताएं इसके बारे में आपके थॉट्स हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो बाय।